desperate for something. I can feel my blood, it's rushing. This ain't goodbye, we'll be back someday. And we will find our own way. Take control of our fate. And like a car with no brakes, crash and learn, make mistakes. And we'll be back one day. यो व्हाट्स अप गाइस, इट्स योर बॉय अजरोक सजियर। तो एक और न्यू गेम प्ले वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पर इस बार मैं उतरा था रिवर व्यू पार्क। यहाँ पर मेरे साथ उतरे थे दो और बंदे। तो एक बंदा ख़त्म हो चुका था क्योंकि उस बंदे ने जो उसके साथ उतरा था उसे फिनिश कर दिया था। अब बारी थी उसकी। अब देखो उसकी एमओ यहाँ पर ख़त्म हो गई तो इसलिए मुझ पर फायर नहीं किया और यहाँ से भागने की पूरी कोशिश कर रहा था। तो मैं भी इसका पूरा पीछा कर रहा था भाई। जैसे ही इसने गन उठाई मैंने इसे यहाँ पर आराम से नॉक कर दिया। नॉक करने के बाद इसे तुरंत फिनिश किया। इसके बाद रिवर व्यू पार्क के दूसरे घरों में मैंने लूट लाट कर ली थी और यहाँ पर मेरे पास अच्छी खासी लूट हो चुकी थी। इस बस के पीछे आया तभी मेरे को यहाँ पर फुट स्टेप दिखाई दिए और यहाँ पर मुझे एक और बंदा दिखाई दिया जिसे मैंने इजी बिजी नॉक किया। इसके बाद मैंने इसे पूरा फिनिश भी किया। जैसे फिनिश किया यहाँ पर एक और बंदा आता है, पता नहीं कहाँ से लेकिन आता है। हो सकता है ये इसी का टीममेट हो। अब वो बंदा ऊपर कोने में जाके कैंप कर रहा था और उसके पास था वॉचमैन। उसने स्किल चला ली थी वॉचमैन की कोने में जाके। अब देखो उसे कैसे मारते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पर वेट कर रहा था कि वो बाहर आए तो मैं उसे फायर लूँ, लेकिन वो बंदा बाहर आने की फिराक में ही नहीं था, वो कोने में ही था। देखो ये रहा। और यहाँ पर फाइनली मैंने उसे नॉक किया, लेकिन जो उसकी स्किल थी उसने अच्छा खासा मेरे को डैमेज दिया। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने शील लगाई। जैसे ही इसकी स्किल ख़त्म हुई मैंने तुरंत उसे फिनिश कर दिया। अब देखो जैसे ही मैंने इसे यहाँ पर फिनिश किया यहाँ से जा रही थी एक गाड़ी होवर कार, तो वो सीधी जा रही थी तो मैंने यहाँ पर देखो ऐसे बोट फायर किया और उन्हें रुकाया। अब देखो वो बंदे मेरे सामने। और भाई साहब दोनों के दोनों बंदों को इजी पीजी भाई उतार दिया। और यहाँ पर सीधी एक और गाड़ी जा रही थी और वो बंदा देखो वो पत्थर के पीछे चुप गया था। और यहाँ पर मैंने इन दोनों भाइयों को पूरा फिनिश भी कर दिया था। अब यहाँ से मैंने नज़र हटा के एक बार देखा इधर उधर तो मेरे को यहाँ पर दिखाई दिया गुंबद जो कि एम्बर बनाता है देखो स्किल से। तो यहाँ पर मैं समझ गया भैया यहाँ पर और भी बंदे हैं। तो इसके बाद मैंने सोचा कि चलो आगे की ओर जाते हैं, क्लोज इन करते हैं कि तभी मेरे को एक मैगी दिखाई दी जो कि ये इसी की गाड़ी थी गाइस। और ये एम कर रहा था किसी पे लेकिन उसका एम तो नहीं हो पाया, लेकिन मैंने उसे एम करके यहाँ पर ठोक दिया। और देखो ये रहा वो। इसके बाद मैंने इसे तुरंत फिनिश किया। मुझे इंतज़ार था एम्बर का क्योंकि मेरे को उसका गुम्बद दिखाई दिया था तो मैं उसका इंतज़ार कर रहा था, लेकिन वो तो नहीं, मेरे को कोई और ही दिख गया यहाँ पे। अब बारी इसकी थी। और भाई साहब ये क्या था, मतलब इसने स्किल चलाई आग वाली और खुद ही उसमें आ गया और खुद ही आधा डैमेज ले लिया और मेरे से थोड़ी गोली खा के पिट गया। तो यहाँ पर इनका हो गया था काम खत्म। अब यहाँ पर कोई भी बंदा नहीं था तो फाइनली फिर मैंने डिसाइड किया ये वाली बग्गी उठाता हूँ और कार्निवल जाता हूँ। तो कार्निवल जैसे ही जा रहा था मैं तो मेरी नज़र गई सामने एक बाइक पे एक बंदा जा रहा था। अब अरे देखो इसकी थी। अब देखो इसे कैसे मारते हैं। तो सबसे पहले मैंने एम के आर की स्किल चलाई अनलिमिटेड एमओज वाली। और भाई साहब इसे ठोक दिया, मतलब एम ये एम के आर की स्किल है ना वो काफ़ी ख़तरनाक है।
एमओज आपके पास अनलिमिटेड आ जाती है कुछ सेकंड के लिए, लेकिन सामने वाले की चटनी ज़रूर बन जाती है। तो यहाँ से मैं जा रहा था ब्रिज क्रॉस करके कि तभी मेरे को यहाँ पर दो और बंदे दिखाई दिए जो कि जोन के अंदर जा रहे थे। आप देखो अब देखो मैं उस बंदे को मार चुका था और मैं हील का बटन दबा रहा था, लेकिन जो MKR की स्किल थी ना वो बटन दबने ही नहीं दे रही थी, पता नहीं क्यों। लेकिन इसके बाद मेरा हुआ पुनर्जन्म। तो इसके बाद मैं सीधा कॉर्निवल ही उतरा था, थोड़ी सी लूट लाट की और यहाँ पर भी भाई जोन भाई सर के जा रहा था, मेरे को डैमेज दिए जा रहा था। तो इसके बाद मैंने डिसाइड किया चलो सीधा ही जोन में जाता हूँ और घूम के पहाड़ की तरफ से घूम घाम के मैं इधर आया। यहाँ पर थोड़ी बहुत मैंने लूटा, यहाँ से मैं जा ही रहा था कि मेरे को रोड पे बंदे दिखाई दिए। अब देखो यहाँ पर मैंने एग्जिट का बटन दबाया था लेकिन मैं पीछे आ गया था गन बोट के और यहाँ पे स्टक हो गया था मैं और उन दोनों बंदों ने मुझे काफ़ी ज़्यादा डैमेज दिया। तो यहाँ से मैं फिर पहली फुर्सत में यहाँ से भागा क्योंकि भाई साहब HP मेरी बहुत ही कम हो चुकी थी, इसलिए मैं यहाँ से भाग लिया पहली फुर्सत में। और भागते भागते मैं आ गया इस वाली लोकेशन पर। तो गैस अभी तक आप लोगों ने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो कि फाइनल रिपोर्ट खेलते हैं। आज का अपना लाइक है 300 का, होप कि आप लोग करा दोगे। तो फाइनली मेरे को यहाँ पर कवर मिला और यहाँ पर सबसे पहले मैंने हिल लगाई। अब मैं नहीं जानता था इस लोकेशन में किधर किधर बंदे हैं, लेकिन मैं ये जानता था कि सामने मेरे बंदे हैं। तो यहाँ पर मैं पूरा रीसेट हो चुका था और मेरे को लेफ्ट साइड में एक बंदा दिखाई दिया। मुझे लगा इस गुंबद में कोई ना कोई बंदा है, तो मैंने स्किल चलाई लेकिन उधर तो कोई था नहीं, लेकिन वो लेफ्ट में था वो बंदा। मेरे को देखने में थोड़ी गलती हो गई और वो बंदा मेरे सामने। अब पता नहीं कहां कहां से फायर हो रहा था, देखो ये देखो पता नहीं किधर किधर से, मैं कन्फ्यूज। मैं फटाफट से इधर आया और यहाँ पर कवर में जाके भाई सबसे पहले मैं वापस से रीसेट हुआ। अब यहाँ पर पूरा रीसेट हो चुका था, गन वन सब रिलोड कर ली थी। अब यहाँ पर मैंने फिर थोड़ी कोशिश की TPP से किसी बंदे को ढूंढने की और हाँ मुझे एक बंदा यहाँ पर दिखाई भी दिया, उसे अच्छा खासा मैंने डैमेज दे दिया था। थोड़ा सा क्लोज इन करके भाई मेरे को गोली अटैच करनी थी, उस पर चिपकानी थी कैसे भी करके। अब देखो इसे कैसे मारते हैं। अब जैसे मैंने इसे ठोका तभी इसका टीममेट यहाँ पर आया। अब मुझे नहीं पता इसका टीममेट कहाँ चले गया था। अब देखो इसे गन की गोली मतलब गोली क्यों नहीं लग रही थी मेरे समझ में नहीं आई। आधी बार तो मैं ऐसे मर जाता हूँ पता नहीं क्यों, कुछ तो ग्लिच है। तो जैसे मैंने इसे फिनिश किया भाई साहब इसके टीममेट ने अचौका से कवर दिया, मैं आ गया कवर में। अब मुझे नहीं पता वो कहाँ है, लेकिन गोली की मतलब ब्लूम सामने से ही आई थी मैं ये जानता था, लेकिन मैं उधर गया तो मेरे को कोई भी हलचल महसूस ही नहीं हुई। थोड़ा मैं यहाँ पर रुका भी लेकिन जोन में भाई कोई आया ही नहीं, तो इस वाले घर में तो शायद कोई भी बंदा नहीं था। पता नहीं वो कहाँ चले गया मुझे नहीं पता, पता नहीं कहाँ गया था। इसके बाद मैं जोन के अंदर आया और लेफ्ट साइड एक क्रेबी चल रही थी और राइट में भी बंदे थे, मेरे को इतना कंफर्म था। तो यहाँ पर मैं आया और सामने मेरे एक बंदा था, देखो ये रहा ड्रॉप लूटने आया था कि तभी क्रेबी वाले बंदों ने भाई मुझे अच्छा खासा डैमेज दिया। मैं आ गया इस पेड़ के पीछे कवर लेने के लिए, वो जो मैगी थी वो भाई घरों में चल गई थी। अब देखो यहाँ पर जो क्रेबी वाला बंदा था उसमें से एक बंदा ड्रॉप के लालच में था जो कि लेफ्ट में था, देखो वो रहा सामने मुझे एक बंदा दिखाई दिया। अब मैं इससे सामने वाले बंदे से फाइट ले रहा था कि तभी मेरे पीछे पता नहीं कौन आ गया और मुझे डैमेज देने लगा, देखो ये रहा। फाइनली भाई मैंने इसे नॉक किया और यहाँ पर चली थी स्नाइपर भी, शायद वो मैगी होगी राइट में अभी
जो पहले ड्रॉप लूटने आई थी। तो इसको तो मैंने यहाँ पर नॉक किया, इसके बाद मैंने इसे पूरा फिनिश किया। और मेरा प्लान ये था कि भैया सबसे पहले यहाँ पर मैं पत्थर वाले से फाइट लूँगा, और ये स्नाइपर वाला भाई हद कर दिया यार, कब से स्नाइपर चलाया जा रहा था लेकिन एक भी गोली अटैच नहीं हो रही थी इसकी मेरे। तो जो भी हो, इसके बाद मैंने व्हीकल उठाई और अब बारी थी इस वाले बंदे की। और भाई साहब इसकी भी यहाँ पर बन चुकी थी पूरी की पूरी चढ़नी। अब यहाँ पर मैंने जैसे ही सोचा कि ये शील लगाऊँ तो यहाँ पर आ चुका था जोन। मैं अंदर आया, मैंने ये वाला मतलब एयरड्रॉप लूटा, यहाँ पर मेरे को अच्छी खासी वापस लूट मिल चुकी थी। अब बचा था एक ही बंदा, और मुझे पता था वो शायद मैगी वाला बंदा ही हो सकता है जो कि स्नाइपर चला रहा था, जो पहले ड्रॉप लूटने आया था, उसे मैंने थोड़ी सी गोली दे के भगा दिया था। तो फाइनली अब यहाँ पर एक ही बंदा अलाइव था, और वो बंदा मेरे सामने, देखो ये रहा। और इसी के साथ ही हमें मिलती है एक इजी विक्ट्री।